अलैक्म स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर है अप्लाइड फिजिक्स का दैट इज ओह्स लॉ ठीक है प्रीवियसली हमने कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था व्हाट इज कैपेसिटर व्हाट इज कैपेसिटेंस वी डिस्कस सर्टेन कम्बिनेशन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल एंड सीरीज ठीक है नो

that whenever there is a current through any conductor th according to statement when we apply a potential Difference through or across the ends of conductor. For example, we have a particular device. ठीक है, इसको हम एक device का नाम दे रहे हैं। इस डिवाइस के एंड्स पे हम इसको ए और बी का नाम दे देते हैं वी अप्लाई अ पोटेंशियल सोर्स ठीक है जिसे बैटरी आप कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड एट पी पॉइंट एंड पॉजिटिव विल बी कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी पॉइंट और नेगेटिव जो है दैट इज लो एनर्जी पॉइंट या लो पोटेंशियल भी हम इसको कहते हैं पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं सो दैट विल क्रिएट अ इनर्जी डिफरेंस ठीक है पोटेंशियल का रिलेशन हमने पढ़ा था वर्क डन के अंदर वो वर्क डन का रिलेशन क्या था कि वी आर पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज या वर्क की जगह पे इनर्जी भी आ सकता है हमने पढ़ा कि दैट इज इनर्जी इक्वल्स टू क्यू पोटेंशियल है, ये U जो है दैट इज एनर्जी सो वेन वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीनस इट इज अ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए एंड बी कोई डिवाइस ले लें कोई वायर ले लें हम आर उसकी रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं हमारा किस सिंबल किसका है रेजिस्टेंस का है सो वेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ एनी कंडक्टर ठीक है तो देर विल बी आर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स कॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वेन एवर देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लायड अक्रॉस द कंडक्टर करंट फ्लोज थ्रू इट करंट फ्लोज थ्रू इट उसमें से करंट फ्लो करेगा ठीक है और जब करंट फ्लो करेगा so by according to ohm's law that current is directly proportional to the applied potential theek hai hum usko dono tarah se likh sakte hain ki that applied potential is proportional to current or current is proportional to applied potential इसको दोनों तरह से represent किया जा सकता है इसकी reason भी आपको बताएंगे दोनों तरह से क्यों when we apply the पोटेंशियल डिफरेंस देर विल बी एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्कट ठीक है लेकिन एक और बात भी है करंट थ्रू द कंडक्टर देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर ये दोनों मीनिंग में आता है कि अगर पहले करंट को डिफाइन कर ले ठीक है तो हम कह सकते हैं कि वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है लेकिन बेसिक रिक्वायर रिक्वायरमेंट यही है कि वेन एवर देर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से यू करंट फ्लो करेगा इसको आई लिखा हुआ है और यू अपना सर्किट कंप्लीट करके बैटरी में वही चार्जेस जो है क्योंकि करंट क्या होता है हमें पता है दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज करंट की डेफिनेशन हम करते हैं नंबर ऑफ चार्जेस पासिस थ्रू सर्टेन एरिया पर यूनिट टाइम ठीक है स्मॉल आई आपकी बुक में लिखा हुआ कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं लेकिन जब करंट फ्लो करेगा हमारे पा ये रिलेशन डिवेलप होगा तो अब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे हमने जो इक्वेशन मेनली यूज करनी है दैट इज वी इज प्रपोर्शनल टू आई ठीक है और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो वी इक्वल्स टू आई इन टू आर अब आर क्या चीज है दैट आर इज रेजिस्टेंस इस आर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं अब रेजिस्टेंस क्या है यहां हम इसको कहेंगे दैट इज प्रपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट लेकिन इसका अगर फॉर्मूला डिवेल्प करें तो आर इक्वल्स टू वी ओवर आई ठीक है हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली कह सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट दैट पासिस थ्रू द सर्किट थ्रू द कंडक्टर जिसकी प्रॉपर्टी है इन दोनों की रेशियो हमेशा कांस्टेंट फैक्टर देगी R इज आर कॉन्स्टेंट फैक्टर फॉर कंडक्टर ठीक है इसको यू भी कह सकते हैं अगर बाय डेफिनेशन हम इसको लिखना चाहें तो बाय डेफिनेशन होगा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी ठीक है अब उस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में क्या क्या शामिल हो सकता है ठीक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल पैरामीटर जैसे कैपेसिटर है कैपेसिटर में आपने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ एनी कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इट इज अ कांस्टेंट फैक्टर फॉर एनी कैपेसिटर लेकिन रेजिस्टर भी यही था हमने कैपेसिटर में पढ़ा कैपेसिटेंस विल चेंज

वो डिपेंड करता है फिजिकल पैरामीटर में सबसे पहले है लेंथ ठीक है उसके बाद है एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे बोलते हैं ठीक है उसके बाद है रेजिस्टिविटी अब रेजिस्टिविटी खुद एक कांस्टेंट फैक्टर में यहां इन्वॉल्व हो जाएगा वो क्या चीज है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ किसी कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी ठीक है अगर मैं कहूं वन मीटर का एक कंडक्टर है अगर टू मीटर का हो जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी वो भी डायरेक्टली अगर एक मीटर की एक ओह है तो दो मीटर की दो होम हो जाएगी ठीक है तीन मीटर की तीन ओह हो जाएगी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको सिमिलरली द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेक्शनल एरिया अब ये वायर है example, ये इसका करेंगे, तो उन्हें कम चार्जेस को कम कुलस का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कंडक्टर जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे चार्जेस उतनी ज्यादा कुलियंस करेंगे कंडक्टर में ठीक है इसीलिए उनकी ज्यादा एनर्जी डेसिपेट होगी उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सो दैट्स वाई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ लेकिन इन एरिया के इनवर्सली कैसे है देखें स्मॉल एरिया होगा तो चार्जेस को ज्यादा विथ्थ नहीं मिलेगी कंडक्टर के थ्रू ट्रेवल करने के लिए ठीक है जैसे एग्जांपल आपको दें कि आपकी क्लास बैठी है रूम के अंदर और आपको कहा जाए कि आपने रश आउट होना है फ्रॉम द डोर ठीक है आपकी क्लास के जो मेंबर हैं दे कंसीडर देम एज अ चार्ज पार्टिकल अब अगर आपने दो दरवाजे खुले हुए हैं तो दो तीन चार्जेस इकट्ठे जो हैं या दो तीन स्टूडेंट इकट्ठे बाहर निकल सकते हैं ठीक है हमने क्या किया आउटर पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज कर दिया लेकिन अब जब आप एक दरवाजा बंद कर देंगे इट मीन दैट यू रेड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया देन देर इज अ डिफिकल्टी फॉर द स्टूडेंट्स टू मूव आउटसाइड इसी तरह चार्जेस में भी अगर कम एरिया का कंडक्टर होगा तो उनको ज्यादा पाथ नहीं मिलेगा टू ट्रेवल थ्रू द कंडक्टर ठीक है ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है इस कंडक्टर में ही जब हम इस प्रपोर्शनैलिटी को हटाते हैं वी हैव अ फैक्टर दैट इज़ रेजिस्टिविटी टू लेंथ ओवर एरिया ठीक है अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये यहां एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है इसको हम कहते हैं कह सकते हैं ठीक है That is nature, nature of conductor. ठीक है, conductor का nature किस तरह से है? Resistivity, resistance property of conductor, resistivity nature of conductor हैं दोनों के meaning यही दोनों opposition के meaning में ही आते हैं। हम इसकी definition भी करेंगे property कि what is resistance क्या है? तो ये नेचर पर डिपेंड करती है नेचर क्या चीज है कॉपर होगा उसकी रेजिस्टिविटी और होगी एल्युमिनियम होगा आयरन होगा इन सब की प्रॉपर्टी मटेरियल चेंज करने से चेंज हो जाती है ये ये नहीं हो सकता कि तीन मटेरियल लें तीनों की लेंथ बराबर रखें एरिया बराबर रखें उनकी रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगी दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है इंटरनल है उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारी चीजें उसमें शामिल होंगी सो वी कान कांट से दैट इक्वल लेंथ ऑफ कंडक्टर विद इक्वल एरिया हैव द सेम रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होता ठीक है मटेरियल चेंज होगा दैट विल डिफाइन द नेचर तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी लेकिन एक कंडक्टर जो आपने इस्तेमाल किया जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही एरिया चेंज नहीं हो रहा और आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोटेंशियल अप्लाई करके उसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं देन रेजिस्टेंस विल रिमेन कॉन्स्टेंट ठीक है तब रेजिस्टेंस जो है वो उस मटेरियल की क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी अब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर हम करें तो उस डेफिनेशन को हम कह सकते हैं दैट द करंट टू फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ठीक है आप प्रॉपर इसकी डेफिनेशन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर ठीक है दैट ज द करंट टू फ्लो यह चार्जिस क्या करता है अपोज करता है फ्लो करने से जिससे रेजिस्टेंस डिवेलप होती है ठीक है तो क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं तो वो प्रॉपर्टीज की क्या है वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है तो अब रेजिस्टेंस के लिए यूनिट हम क्या इस्तेमाल करेंगे अगर हम इसका फॉर्मूला डिवेल्प करें सो आर इक्वल्स टू वी ओवर I, वी के लिए यूनिट होते हैं वोल्ट डिवाइडेड बाय इसके क्या होते हैं एम्पेयर ठीक है तो इसका जो रिलेशन है दैट इज ओम और ये इसका सिंबल है ओम का सिग्मा ठीक है तो आप यूं कह सकते हैं कि वेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर इफ द वन एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस विल बी वन ओहम। अगर वन वोल्ट पोटेंशियल हो वन एम्पेयर करंट फ्लो कर जाए देन रेजिस्टेंस विल बी वन ओहम। एंड वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस बाय फिजिकल पैरामीटर्स अब एमसीक्यू जैसे कैपेसिटेंस में आपसे पूछे थे कैपेसिटेंस में अगर कंडक्टर अगर हम हमारे पास फिजिकल पैरामीटर चेंज हो जाए एरिया डबल कर दें डिस्टेंस रिड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस क्या होगी सिमिलरली अगर हम यहां भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि डबल द लेंथ रिड्यूस द एरिया तो ये फॉर्मूला भी आपको उसी फैक्टर्स के साथ आना चाहिए जैसे वहां था डबल एरिया करेंगे ठीक है एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी ठीक है लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी टू टाइम फैक्टर्स आपने उसमें लेके आने क्योंकि ये तो कांस्टेंट फैक्टर है ये प्रॉपर्टी है ये नेचर ऑफ मटेरियल है ठीक है इसको चेंज नहीं कर सकते इसके चेंज होने से मटेरियल चेंज हो जाएगा मतलब ये होगा इसका ठीक है सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स ला सर्टेन डिस्कशन अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है ठीक है वो क्या है कि वी हैव

ठीक है आर हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा वी और आई की जो रेशो है वो हमें हमेशा कांस्टेंट फैक्टर देगी ठीक है तो ये आर और वी की रेशो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देती रहेगी सो दैट डिफाइंस द ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ ओह लॉ ठीक है इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स और कुछ माइक्रोस्कोपिक व्यू अब ओम्स ला के अकॉर्डिंग कुछ टाइप्स हैं कंडक्टर्स की ठीक है हमने इसी बेसिस पे कंडक्टर्स की कुछ टाइप डेवलप की है ठीक है उन टाइप्स को क्या कहते हैं ओमिक डिवाइसेस और कंडक्टर्स और सिमिलरली नॉन ओमिक डिवाइसेस और कंडक्टर्स ठीक है इनका छोटा सा हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि वो होमिक कौन सी होती है नॉन होमिक कौन सी होती है सबसे पहले होमिक होता है दैट ओबे ओम्स लॉ और इसमें क्या है डज नॉट ओबे ओम्स लॉ ये होम्स लॉ को ओबे नहीं करती ठीक है नॉन कहते हैं इसमें टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट ठीक है इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता ठीक है अब इसमें एक छोटी सी आ, हमारे पास कंडीशन रह गई थी ओम्स लॉ में कि जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें करंट फ्लो करता है और constant, और रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट उसमें एक पैरामीटर जो होता है इन्वायरमेंटल आप उसे कह लें फिजिकल पैरामीटर कर लें टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट ठीक है ओम्स लॉ में टेम्परेचर कीपिंग द फिजिकल स्टेट कॉन्स्टेंट वो फिजिकल स्टेट कौन सी है टेम्परेचर वाली है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए तो जो ओहमिक डिवाइसेस हैं ओहमिक कंडक्टर्स हैं उनमें टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इनकी रेजिस्टेंस भी क्या रहती है कांस्टेंट। इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती ठीक है अब इसमें ग्राफिकल एनालिसिस भी आ जाएगा इनका ग्राफ क्या होगा ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ठीक है इसमें क्या होगा नॉट स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा वो ग्राफ हम बना भी लेते हैं ठीक है इसमें जो ग्राफ आएगा उसको हम वी आई वी आई ग्राफ कहते हैं ठीक है तो इसमें ग्राफ हमें बताया कि स्ट्रेट लाइन आता है एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल करंट थ्रू द कंडक्टर विल इंक्रीज ठीक है लेकिन इसका जो ग्राफ है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होता इधर वी होगा इधर आई होगा इसका ग्राफ जो है वो दो तरह से बन सकता है एक तो हम कहें कि ज्यादा पोटेंशियल पे कम करंट फ्लो करेगा ठीक है एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा पोटेंशियल अप्लाय करें करंट ज्यादा होगा लेकिन बाद में वो कम हो जाएगा ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं होगा यू कह सकते हैं आप सो द डिफरेंस ठीक है उसके बाद हम कह सकते हैं एग्जाम्पल ठीक है इसकी एग्जैंपल जो है इसकी एग्जाम्पल है कॉपर ठीक है सिल्वर आयरन इसकी एग्जाम्पल क्या है पीएन जंक्शन ठीक है टंगस्टन फिलामेंट ठीक है टी यू एन जी एस टी एन टंगस्टन फिलामेंट एफ आई डबल एल एम ई एन टी इनमें जब करंट फ्लो करता है तो हीट डिवेलप होती है ठीक है आपने देखा हंड्रेड वार्ड का जो बल्ब होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट क्रिएट करता है ठीक है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता कांस्टेंट नहीं रहता तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रहती क्योंकि रेजिस्टेंस विल चेंज इन केस ऑफ कंडक्टर्स ठीक है इसका भी आपने रिलेशन पढ़ लेना है रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी लेकिन नॉन ऑर्मिक में होता ही है देर विल बी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सो इट मीनस दैट देर विल बी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ठीक है ये नॉन ओहमिक की प्रॉपर्टी में शामिल होता है इसी वजह से इन्हें नॉम क्योंकि ओहम्स ला फिर ओबे नहीं होगा रेजिस्टेंस ड नॉट कॉन्स्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी तो उसको हम नॉन ओमिक में ले जाते हैं ठीक है सो दिस आर दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि ओमिक कौन सी होती है नॉन ओमिक कौन सी होती है कॉपर की वायर आपने देखा हमेशा वाइंडिंग में कहते हैं कि हमें कॉपर वायर चाहिए क्यों होती है उसकी कंडक्टिंग कंडक्शन बेस्ट होती है ठीक है सिल्वर की उससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन सिल्वर की प्रॉपर्टीज भी ओम्स लॉ में शामिल हो जाती है लेकिन पीएन जंक्शन वो सेमीकंडक्टर का मटेरियल है ठीक है और टंगस्टन फिलामेंट भी वैसे ऐसे डिवेल्प होता है कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है और इसी रेजिस्टेंस के इफेक्ट को हम आगे इस्तेमाल भी करते हैं वो इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास हम इसी रेजिस्टेंस को टेम्परेचर में चेंज कर लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल जो स्टोव है जो चूल्हा है वो क्या काम है इलेक्ट्रिकल हीटर का क्या काम है वी यूज अ वायर विद हायर रेजिस्टेंस ठीक है तो जब हाई रेजिस्टेंस की वायर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हीट एज वो जो, जो कुलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ती है तो कुलियंस बढ़ती हैं ठीक है कुलियंस बढ़ती हैं तो एनर्जी डेसीपेट होती है एनर्जी डेसीपेट होती है तो ही वो ही इनर्जी है हीट वही एनर्जी एज ए हीट अपियर होती है तो वो जो हीट अपियर होती है उसी हीट को हम इस्तेमाल करते हैं वही हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर होता है वही हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टोव होता है ठीक है सो फुलट द कॉन्सेप्ट अबाउट होम्स लॉ और नॉन होम्स लॉ एक और बात कि हमने एक पीछे एक डायग्राम बनाई थी उसमें हमने पोटेंशियल अप्लाई किया था तो पोटेंशियल की अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दें प्लस को माइनस कर दें माइनस को प्लस कर दें तब भी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो रेजिस्टेंस इज इनडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन एज वेल अब डायरेक्शन का मतलब पोलैरिटी है ठीक है तो उसमें करंट की वैल्यू के भी इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन फिजिकल पैरामीटर एंड नेचर ऑफ मटेरियल वो हमने लेटर डिस्कस कर लिया था ठीक हो गया उसके बाद आपने स्टूडेंट्स आपके लिए यही असाइनमेंट होगी कि आपने माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ पढ़ना है ठीक है उसमें पढ़ने के बाद उसमें आपने सिर्फ देखना है कि हॉ रेजिस्टेंस विल जनरेट ठीक है इन साइड अ कंडक्टर रेजिस्टेंस कैसे डिवेलप होती है इन साइड द कंडक्टर देखेंगे क्या होता है ठीक है माइक्रोस्कोपिक व्यू फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कंडक्टर अ पीस ऑफ कंडक्टर हमारे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है ठीक है देर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इनफाइनाइट नंबर भी कह सकते हैं ठीक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स पड़े हुए ठीक है ये एटम है हमारे पास इसमें हम कंसीडर करेंगे देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही यही है ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो उन्हें कंडक्टर कहते हैं ठीक है कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट होता है ठीक है तो उससे हमें एनर्जी गेन हो सकती है अब माइक्रोस्कोपिक व्यू में रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होती है अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर क्यों अपोजिशन आती है इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए अब जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स की फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूव करने की एक विलॉसिटी है वो विलॉसिटी क्या है उसे इफेक्टिवी भी कहते हैं सिक्स इंटू टेन डेज टू पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड यह इनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं ठीक है और इनका मोशन भी रैंडम ही होता है लेकिन व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाना ठीक है अब उसकी भी डायग्राम आपको बना के देते हैं कि यह हमारा एक कंडक्टर अगर है ठीक है इसमें प्लस माइनस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया प्लस की वजह से यहां प्लस आ जाएगा यहां नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल द एजेस ऑफ द कंडक्टर अब हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे ठीक है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे सॉरी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पड़ा है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना है थ्रू द कंडक्टर ठीक है अगर मैं इसी डायग्राम को एज अजम्पशन बनाऊं तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा इधर नेगेटिव आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यू सेट होगा लेकिन ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे पहले ये फ्री मूव कर रहे थे इस विलॉस से अब इनको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है ठीक है अब जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम यू कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो इस एटम से कोलाइड करेगा कुलहन करने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस तरफ जाएगा मे बी फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए इधर आ जाए फिर इधर आ जाए तो इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए उसने आना इसी तरफ है ठीक है क्योंकि उसकी और डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती ये यहां से इस तरफ नहीं जा सकता तो कुलियन के बाद हर इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं ठीक है स्लो डाउन होने से इनकी जो एक एवरेज वेलोसिटी बनती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं वी ड्रिफ्ट ठीक है और वो जो होती है वो हमारे पास बहुत ही उसकी कम वैल्यू है वो है फाइव इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सेवन मीटर पर सेकेंड इतने स्लो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कुलियंस ये सारे फैक्टर्स क्या है? के हैं कुलियंस की वजह से उनकी एक एवरेज वेलोसिटी आती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं ठीक है अब ड्रिफ्ट किस वजह से होते हैं ये ड्रिफ्ट होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट होते हैं उन्हें मूव करना ही करना है प्रॉपर्टी है ना वर्क करती है इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये की वजह से वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करते हैं इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस दैट डेट विल क्रिएट द रेजिस्टेंस इन साइड द कंडक्टर इसीलिए इसे माइक्रोस्कोपिक इंटरनल व्यू कहते हैं ठीक है तो इन पैराग्राफ्स को आपने पढ़ लेना है पढ़ने के बाद इसमें एक एक्सलेशन की वैल्यू भी बताई हुई है ठीक है वो एक्सलेशन क्या होता है क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि चार्ज मूव करेगा तो एक्सलेशन होता है एक्सलेशन अकॉर्डिंग टू ओम्स ला में पता है एफ ओवर एम होता है अब एफ एक इक्वल्स टू हमने पढ़ा हुआ है कि जो एफ है दैट इज द्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है सो एक्सलेशन इक्वल्स टू क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ चार्ज अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज क्या करता है एक्सेलरेट करता है अगर हम इनकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो हमें पता है कि पर्टिकुलर टी टाइम में अगर पर्टिकुलर एरिया में ये मूव करता है तो विलोसिटी जो है वो एक्सेलेशन इन टाइम होता है ठीक है क्योंकि हमें पता है ना एक्सेलेशन इक्वल्स टू वी ओवर टी होता है वी निकालें तो एक्सेलेशन और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां एक्सेलेशन की वैल्यू निकालें सो दैट इज वी ड्रिफ्ट एक्सेलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू ई इंटू टाइम डिवाइडेड बाय मैस ठीक है तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम मालूम कर लें कितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम कहां से से फाइंड फाइंड करते हैं हैं पोटेंशियल डिफरेंस कर सकते हैं. क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट ठीक है ये फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये सारी चीजें इंटर रिलेट करती हैं मकसद बताने का ये है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस व्हाई इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द एनी कंडक्टर that causes due to collisions of charges collisions of electrons ठीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने अपोजिट टू द फील्ड जाना होता है इसी वजह से हम इसको इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं को अब बढ़ने से बढ़ती हैं ठीक है बढ़ती हैं तो इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है तो ऐसा कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाए उसे नॉन नॉनिक कंडक्टर ही कहते हैं ठीक है सो होपफुली यू गेट द कॉन्सेप्ट नेक्स्ट हम अपने उसी प्रीवियस टॉपिक पर आएंगे जिसमें कुछ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है ठीक है उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे सो so, अल्ला हाफिज़